अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही खास सिंपल सी रेसिपी, क्योंकि ये हम बचे हुए चावल से बनाने वाले हैं। ये हमारे पास बचे हुए चावल है। हमारे घरों में अक्सर चावल बच जाते हैं, तो ये मैंने लिए है चावल, और ये मैंने हरी मिर्ची ली है, कट कर लिया है। एक प्याज ली है, इसको भी मैंने कट कर लिया है, और ये मैंने थोड़ा सा चिकन कीमा लिया है। ये मैंने छोटा सा टमाटर लिया है, कट कर लिया है, और ये मैंने कुछ थोड़े से मसाले लिए हैं। ये मैंने हाफ टी स्पून लिया है लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून लिया है मैंने सौंफ का पाउडर, और ये मैंने लिया है नमक, ये भी मैंने हाफ टी स्पून लिया है। अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए आप। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पर रख ली है कढ़ाई, मैंने इसमें एक टेबल स्पून ऑयल का डाल दिया है। हमारा ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है, तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को हम ऐसे करके डालेंगे, हल्का सा सुनहरा हो जाए ये। तो हम इसको, हमारे प्याज हल्के से सुनहरे हो गए हैं। अब हम यहाँ पे थोड़े से खड़े मसाले डाल देंगे। ये मैं डाल रही हूँ 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 काली मिर्चें, और ये 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी, और यहीं पे डाल देंगे हम ये 1/2 टीस्पून जीरा। हल्का सा तड़क जाएंगे। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और बस यहीं पे अपना चिकन डाल देंगे। ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। नमक डाल देते हैं यहीं पे। इसको अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा पकाएंगे हम इसको। हमारा कीमा थोड़ा सा पक गया है। अब हम यहाँ पे ये डाल देंगे सौंफ का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, ये डाल दिया मैंने। इसको मिला लेंगे अच्छे से, और यहीं पे टमाटर डाल देंगे और हरी मिर्ची भी डाल देंगे। अब हम इसको मिला लेंगे। यहीं पे थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 2 टेबल स्पून डाल देते हैं, ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर पानी डाल दिया है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। अपनी कढ़ाई का लगा देते हैं। हमारे कीमा को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, मैंने बीच बीच में 2-3 दफ़ा चलाया है इसे, और अच्छे से गल गया है, भुन गया है, ये देखिए। तो अब हम यहाँ पे चावल डाल देते हैं, बहुत ही बढ़िया बिरयानी बन जाएगी हमारी। चलिए चावल डाल देते हैं। ये देखिए चावल डाल दिए मैंने। अब हम इनको मिला लेते हैं। गैस का फ्लेम स्लो कर दिया है मैंने। ये देखिए मैंने इन सबको अच्छे से मिला लिया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं इसके ऊपर से। ये देखिए डाल दिया मैंने हरा धनिया, और इसका लगा देते हैं ढक्कन अपनी कढ़ाई का, और स्लो फ्लेम पर बिल्कुल 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि हमारी बिरयानी अच्छे से दम हो जाए। दिखाएंगे आपको बिरयानी को। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रखे हुए 2 मिनट हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तैयार हो गई है हमारी बिरयानी। तो चलिए करते हैं इसे डिश। हमारी गर्मा गर्म बचे हुए चावल की बिरयानी बन के तैयार हो गई है। बहुत ही बढ़िया बनी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अक्सर हमारे घरों में चावल बच जाते हैं, तो उन्हीं से बना लीजिएगा जैसे कि मैंने बनाई है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।